वेलकम टू इंडिया टूरिज्म प्लेसेस यूट्यूब चैनल। डेली अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एलिफेंटा केव भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएँ हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित हैं। इसका ऐतिहासिक नाम गारपुरी है। यह नाम मूल नाम का ग्रह गारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तक क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह मूर्ति 23 या 24 फीट लंबी तथा 17 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। इस मूर्ति में शंकर भगवान के मुख पर अपूर्व गंभीरता दिखती है। दूसरी मूर्ति शिव के पंचमुखी परमेश्वर रूप की है जिसमें शांति तथा सौम्यता का राज्य है। एक अन्य मूर्ति शंकर जी के अर्धनारीश्वर रूप की है जिसमें दर्शन तथा कला का सुंदर समन्वय किया गया है। इस प्रतिमा में पुरुष तथा प्रकृति की 2 महान शक्तियों को मिला दिया गया है। इसमें शंकर तनकर खड़े दिखाए गए हैं और उनका हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया है। उनकी जटा से गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिधारा बहती हुई चित्रित की गई है। एक मूर्ति सदाशिव की में गोलाकार है। यहाँ पर शिव के भैरव रूप का भी सुंदर चित्रण किया गया है तथा तांडव नृत्य की मुद्रा में भी शिव भगवान को दिखाया गया है। इस दृश्य में गति एवं अभिनय है। इसी कारण अनेक लोगों के विचार से एलिफेंटा की मूर्तियाँ सबसे अच्छी तथा विशिष्ट मानी गई है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है जिसमें मुख्य कक्ष, 2 पार्श्व कक्ष, प्रांगण व 2 गौण मंदिर हैं। इन भव्य गुफाओं में सुंदर उभारकृतियाँ, शिल्पाकृतियाँ हैं व साथ ही हिंदू भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है। ये गुफाएं ठोस पाषाण से काट कर बनाई गई है। यह गुफाएं 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के सिलहारा वंश के राजाओं द्वारा निर्मित बताई जाती है। कई शिल्पाकृतियाँ मान्य खेत के राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाई हुई हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।